नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके से YouTube चैनल स्मार्ट टैंग में। दोस्तों जैसे ये वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा सीधा सा सिंपल सा टॉपिक है कि क्या हम इन पेमेंट्स बैंक को प्राइमरी अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। प्राइमरी से मेरा मतलब ये है कि क्या हम इन अकाउंटों को लाइफ टाइम सेविंग अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपको पूरा ए टू जेड इन दोनों बैंकों की कहानी बताऊं, मतलब कि कॉमर्शियल बैंक जो कि जैसे कि स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और पेमेंट बैंक जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि क्या हम इन बैंकों को यहाँ पर अपने प्राइमरी अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बैंकों की कैटेगरी को समझना जरूरी है कि बैंक कितने तरह के होते हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पर इंडिया में चार तरह के बैंक होते हैं। पहला कॉरपोरेटिव बैंक, दूसरा कॉमर्शियल बैंक, तीसरा यहाँ पर फाइनेंस बैंक, चौथा यहाँ पर पेमेंट बैंक, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इन चारों कैटेगरी के बैंकों को समझना जरूरी है। पहली कैटेगरी आती है कॉरपोरेटिव बैंक। तो कॉरपोरेटिव बैंक आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि एक तरीके के प्राइवेट बैंक होते हैं। प्राइवेट होने के साथ साथ इन बैंकों को एक समूह चलाता है, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि इन बैंकों को चलाता है। और मैं क्लियर तौर पर बता दूं, जो ये कॉरपोरेटिव बैंक होते हैं ये आरबीआई से अप्रूवल नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर एक कल के दिन बैंक भाग जाते हैं तो आपकी पैसे की जवाबदारी आरबीआई नहीं लेगा। यहाँ पर बेसिकली ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों को टारगेट करके बनाए जाते हैं ताकि ग्रामीण बैंकों को यहाँ पर ब्रांच की सुविधा मिल सके। इन बैंकों की ब्रांच भी होती है यहाँ पर। इन बैंकों से आप फाइनेंस, लोन वगैरह हर चीज, हर सुविधा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बस यहाँ पर एक ही कमी होती है कि ये जो बैंक होते हैं वो आरबीआई द्वारा अप्रूवल नहीं होते हैं, ना ही आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बैंकों की, वो है फाइनेंस बैंक। यहाँ पर जैसे कि आपने नाम सुना होगा एयू फाइनेंस बैंक। एयू फाइनेंस बैंक का क्या है कि यहाँ पर ये जो बैंक होते हैं वो आपको छोटे मोटे लोन फाइनेंस कराने में आपकी मदद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी टू व्हीलर खरीदने हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पर एयू फाइनेंस बैंक निकल कर सामने आएगा और वो आपको यहाँ पर एक क्रेडिट लिमिट देगा, आपकी गाड़ी का फाइनेंस कराएगा, आपको मंथली किस्त चुकानी होगी एयू फाइनेंस को, वहाँ पर आपका एक अकाउंट भी खुल जाएगा उसमें एक। तो वहाँ पर ए बैंक जो होते हैं छोटे मोटे फाइनेंस में ही आपकी मदद करते हैं। और यहाँ पर भी सेम रूल होता है यहाँ पर कि आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं रख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं पेमेंट बैंक की। तो यहाँ पर पेमेंट बैंक का सबसे बड़ा रोल यहाँ पर ये होता है कि इनकी ब्रांचें नहीं होती। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने तीन कैटेगरी बताई, कॉमर्शियल, कॉरपोरेटिव और फाइनेंस, इन तीनों की ब्रांचें होती हैं, लेकिन यहाँ पर पेमेंट बैंक की कोई भी ब्रांच नहीं होती। यहाँ पर सिंपली ये ऑनलाइन खोले जाते हैं और ऑनलाइन ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कुछ पेमेंट बैंक ऐसे जो कि आपको डेबिट कार्ड देते हैं, चेकबुक देते हैं, लेकिन कुछ बैंक यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक की सुविधा नहीं देते हैं। और ना ही इन बैंकों में आप 1 लाख रुपए से ज्यादा रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा रखते हो तो यहाँ पर इन बैंकों के साथ जो भी बैंक जुड़ा होगा, जैसे कि इंडस्ट्रियल बैंक, आपने नाम सुना होगा कि यहाँ पर अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट में अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा रखते हो तो इंडस्ट्रियल बैंक से ऑटोमेटिक इसकी एफडी बन जाती है। तो यहाँ पर ये पैसा जब और दूसरा बैंक रखेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, आपका पैसा सेव रहने की तो कोई गारंटी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पेटीएम जो पेमेंट बैंक है वो एक थर्ड पार्टी रोल निभा रहा है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी को पैसे दोगे उससे बोलोगे कि आप अपने पास रख लीजिए और अपने ही हिसाब से इस पर इंटरेस्ट पे करते रहिए, तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी रोल हो गया, तो मुझे ये पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि पेमेंट बैंक भी यहाँ पर सेफ नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि मैं खुद यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट हूँ। तीनों के अकाउंट खोलता हूँ अपने कस्टमर की अपनी शॉप पर, और यहाँ पर मुझे इन तीनों बैंकों की अच्छे से बिल्कुल से समझ है यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ दी जाती है। और यहाँ पर मैंने देखा अधिकांश तौर पर जब भी कस्टमर को कोई समस्या आती है
तो यहाँ पर कस्टमर की उस समस्या का समाधान निकलने में महीनों लग जाते हैं। अगर वहीं पर बात की जाए कॉमर्शियल बैंक की, अगर कॉमर्शियल बैंक में किसी भी तरह की समस्या आती है तो उनकी ब्रांचें होती हैं, वहाँ पर जाइए और अपनी समस्या बताइए, एप्लीकेशन दीजिए, तुरंत आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। लेकिन यहाँ पर जो पेमेंट बैंक होते हैं, पेमेंट बैंक में पहली चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं रख सकते हो, किसी भी तरह का लोन नहीं दे सकते हो, और कई पेमेंट बैंक जो आपको डेबिट कार्ड नहीं देते हैं, चेकबुक नहीं देते हैं, और ऊपर से यहाँ पर कई जगहों पर तो इन बैंकों के अकाउंट आप लगा भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। कई जगहों पर, कई विभागों में यहाँ पर पेमेंट बैंक के अकाउंट एक्सेप्ट ही नहीं किए जाते, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आप पेमेंट बैंक का इस्तेमाल कर सकोगे प्राइमरी तौर पर। अब बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक की। कॉमर्शियल बैंक आप समझ सकते हो जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट बैंक इनको ही मानता हूँ मैं। गवर्नमेंट जो बैंक होते हैं, देखिए ICICHDFC ये भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं, बस एक प्राइवेट सेक्टर होते हैं, और जो SBI बैंक है वो है आपका, और यहाँ पर जो आपका SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, ग्रामीण बैंक, ये सब बैंक आपके कॉमर्शियल बैंक की ही गिनती में आते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें अर्धशासकीय बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर जो HDFC, ICICI, IDBI, पंजाब नेशनल बैंक है, ये भी तो प्राइवेट बैंक है, तो क्या हम इन्हें कॉमर्शियल बैंक में नहीं रख सकते? ऐसा नहीं है, ये भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं और वो सारी सुविधाएं आपको देते हैं जो कि स्टेट बैंक, सर गवर्नमेंट अर्धशासकीय बैंक आपको देता है। अब मुझे लगता है यहाँ पर आप लोग कॉमर्शियल बैंक और पेमेंट बैंक में अंतर समझ चुके होंगे। अब मैं यहाँ पर आपको पेमेंट बैंक से जुड़े कुछ और चीज़ें बता दूँ आपके दिमाग में जो डाउट होंगे, कि यहाँ पर आप लोग सोचे होंगे कि सर यहाँ पर जब भी हम किसी दुकानदार के पास, जैसे कि किसी BC एजेंट के पास अपना पेमेंट बैंक का अकाउंट खुलवाने जाते हैं, तो यहाँ पर वो खोल सकता है, तो उसके पास भी काफ़ी पावर होता होगा कि यहाँ पर वो हमारे अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो BC एजेंट आपका अकाउंट खोलता है, मतलब कि जिस CSP के माध्यम से आपने एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर फिनो पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर NSDL पेमेंट बैंक या फिर जियो पेमेंट बैंक खुलवाया है, वहाँ पर भी आपको इन बैंकों से रिलेटेड सारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सीधा सा फंडा है कि यहाँ पर उन BC एजेंटों को सिर्फ यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की ही ऑप्शन दिए जाते हैं इन पोर्टल पर। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर कोई भी अगर आपको इन पेमेंट बैंक में आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको सिंपली कस्टमर केयर को लगाना होगा, और अगर कस्टमर केयर के पास भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकला तब तो भाई आपका पैसा गया, मतलब कि अगर कोई भी पैसा आपने अकाउंट में डालकर रखा है पेमेंट बैंक में तो वो आपका फंस गया। मैंने कई बार ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें कस्टमर काफ़ी परेशान होता है, कहता है सर मेरे इसमें 50,000, 1 लाख रुपए हैं और वो निकल नहीं रहे हैं, ब्लॉक बता रहा है अकाउंट, या फिर यहाँ पर किसी भी तरह की रोक लग गई है अकाउंट में, तो यहाँ पर कस्टमर काफ़ी परेशान होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर अगर आप सेविंग अकाउंट चलाना ही चाहते हो तो कॉमर्शियल बैंक का चलाएं, स्टेट बैंक का, HDFC बैंक का, ICICI बैंक का, इन बैंकों का ही चलाएं, आप पेमेंट बैंक की तरफ ना भागे। हाँ, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, एडिशनल में आप यहां पर लेन देन करना चाहते हो किन्हीं भी बैंकों से, तो यहां पर आप पेमेंट बैंक की तरफ जा सकते हो, क्योंकि यहां पर जो आपका 1 लाख रुपए तक का पैसा होता है वो सेफ होता है। हाँ, RBI से अप्रूवल भी होता है इन बैंकों को, तो यहां पर आपका पैसा भी सेफ होता है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम वही आती है कि यहां पर अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है इन बैंकों में तो महीनों लग जाते हैं आपको यहां पर इन बैंकों की प्रॉब्लम को हल करने में। और हाँ दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि पेमेंट बैंक की ब्रांचें होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, लेकिन यहां पर इंडिया में 1-2 ब्रांच ही देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं पेटीएम की एग्जाम्पल के तौर पर, तो नोएडा में एक पेटीएम की ब्रांच है, ऑफिशियल ब्रांच है, जहाँ पर जाकर आप पर्सनली अपने बैंक की समस्याओं को समाधान निकलवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आप कोलकाता में बैठे हो या फिर मध्य प्रदेश में या फिर आप तेलंगाना में बैठे हो, तो यहाँ पर आपको तेलंगाना से डायरेक्ट दिल्ली तक जाना आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा और महंगा पड़ेगा सिर्फ बैंक की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पाने के लिए। तो यहाँ पर यही बस एक प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से मैं आपको यहाँ पर पेमेंट बैंक चलाने की एडवाइज नहीं दूंगा प्राइमरी तौर पर। तो यहाँ पर मैं आपसे सीधी सी बात करूँगा कि यहाँ पर लाइफ टाइम आप किसी भी पेमेंट बैंक का इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए Instagram ID पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।